Samreen appa be like, I'm a Barbie girl in the Barbie world. हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नया दिन और नैनिंग की शुरुआत। और अभी ना हम जा रहे हैं नैना पीक। नैना पीक मतलब कि चाइना पीक। पहले उसका नाम चाइना पीक था, अब उसका नाम नैना पीक हो चुका है। तो हम वहाँ जा रहे हैं, आधे रास्ते तक कार से जाएंगे, फिर बाय रोड जाएंगे, मतलब अपने पैरों के सहारे से ट्रैकिंग करते हुए। और फिलहाल बता दें, हम सुबह 7 बजे से वेट कर रहे हैं, मौसम साफ हो। और अब बज चुके हैं 10, तो हम निकल रहे हैं 10 बजे। हमें पहुँचते 12 बज जाएंगे। और फिलहाल अब चलिए मिलते हैं आपको आगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो अभी हम जा रहे हैं चाइना पीक। मौसम ऐसे ही हो रहा है डामाडोल, और क्या पता वहाँ पे जाके नीचे का व्यू दिखे या ना दिखे। तो अभी वहाँ जाके पता चलेगा। अभी रास्ते की भी आपको सैर कराएंगे, कैसा रास्ता होता है। और आइए तो चलिए फिलहाल चलते हैं। अभी गाड़ी से थोड़ा आधा रास्ता कवर करेंगे, आधा रास्ता फिर वॉकिंग का है, जो 1.5 से 2 घंटा लगता है चढ़ाई में। तो फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें नैना पीक के लिए चढ़ाई चढ़नी है। और यहां पर ये मेन गेट है जहां से नैना पीक का रास्ता स्टार्ट होता है। फाइनली यहां पर टिकट लग चुका है। पहले यहां कोई टिकट नहीं था, लास्ट टाइम जब हम आए थे तब भी कोई टिकट नहीं था। हम अपने बचपन से देख रहे हैं, तब कोई टिकट नहीं था, अब यहाँ पर टिकट लग चुका है। और जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं वहाँ से 3 किलोमीटर नैना पीक और 7 किलोमीटर किलबरी है। अब हम चढ़ चुके हैं, यहाँ से टिकट वगैरह ले लिया है। पर पर्सन 50 रुपये का टिकट, 250 रुपये का हम 5 का टिकट हुआ है। हर चीज़ चेक हुई है कि चिप्स वगैरह के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल, ये सब कुछ चेक हुआ है। क्योंकि अब यहाँ पर टिकट लग गया और चेकिंग हुई, क्योंकि ऊपर लोग गंदगी करते होंगे ना, इस वजह से। और फिलहाल हम चढ़े हैं 10:20 पे, यहाँ से एंट्री करी है। 3 किलोमीटर है यहाँ से, अब देखते हैं कितना टाइम। और अगर आप अपने साथ चिप्स लेके जा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहे हैं, तो आपके ना 10 रुपये पर पैकेट पर चीज़ जो है आपका वो सबमिट हो रहा है। आपको वापस रैपर ला के दिखाने पड़ेंगे, बोतल ला के दिखानी पड़ेंगी, जब आपके 10 रुपये रिफंड होंगे पर प्रोडक्ट। तो फिलहाल अब हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, और यहाँ से अब हम थोड़ा शॉर्टकट भी लेते हुए चलेंगे, क्योंकि शॉर्टकट लेना बहुत ज़रूरी है ना। मज़ा भी आता है शॉर्टकट लेते हुए, और थोड़ा जल्दी भी टाइम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से एक एक करके सब अपना सामान पकड़ा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा एरिया ऊँचा था जहाँ से चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। कैमरा वरीशा भी एक सामान ही है जिसको इधर से उधर पकड़ाना पड़ता है अपने रास्ते क्लियर करने के लिए। तो यहाँ से मायरा उसको लेती है, और अब यहाँ से 1 बाय 1 हम भी सब चढ़ते हैं। और यहाँ बहुत इन्जॉयमेंट था, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग लवर्स के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। अगर आप लोगों को ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है ना, तो बहुत मज़ा आएगा। और फाइनली जब हम यहाँ पे ऊपर पहुँचे ना, तो यहाँ हमें एक पेड़ गिरा हुआ मिला, जिसको हमें लगा कि ये एक यूनिक सा पेड़ है। इस पर हमने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, और बहुत ज़्यादा मज़ा भी किया। इन्जॉयमेंट तो हमने बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि हम सब इतने अच्छे हैं ना, हमें ना पैदल चलना बहुत पसंद है। हम एडवेंचर्स वाले लोग हैं, और हमें एडवेंचर करने भी बहुत पसंद है, और हमें ट्रैकिंग करना भी बहुत पसंद है। यहाँ पर फिलहाल मैं अपने वज़न के साथ यहाँ पर नहीं कर पाई, वरीशा कैसे पीछे रहती वो भी चढ़ेगी इस पर। और तो फिलहाल हमने, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग लवर्स और एडवेंचर्स करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे भाई साहब ने तो अपना एडवेंचर दिखा दिया कि भाई मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं तो यहाँ सब कुछ कर सकता हूँ। सब 1 बाय 1 यहाँ ट्राई कर रहे हैं, जिसमें सब बिल्कुल फेल होते जा रहे थे, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में सब फेल हुए, सेकंड अटैम्प्ट में सब ने ट्राई तो करा, एटलीस्ट कर लिया, और बाद में इस पेड़ के ऊपर बैठे भी चढ़ गए, क्योंकि अपनी फ़ोटोज़ भी तो क्लिक करानी थी ना हम लोगों को। भाई यहाँ हमने बहुत ज़्यादा मज़े किया। अब फिलहाल यहाँ वरीशा मैडम कैसे पीछे रहेंगी, वो भी तो बैठेंगी ना, तो अब आगे उनको भी बिठाना पड़ेगा। यहाँ पर मैडम जी भी इंतज़ार करेंगे, कुछ तो हो मुझे भी तो बैठने को मिले। अब फाइनली हमने वरीशा मैडम को बिठा दिया है, उसके बाद ना 1 बाय 1 करके पेड़ पर बैठेंगे, पेड़ पर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे, जिसमें हमने बहुत मज़ा किया। अभी फ़िलहाल यहाँ पर चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक बार में टेक कोई ले नहीं पा रहा था। यहाँ पर 2nd-3rd टाइम में सबने अपने टेक लिए, और फाइनली वो ऊपर बैठ चुके हैं। अब यहाँ हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी, और बहुत ज़्यादा मज़ा किया। यहाँ पे हमने कम से कम 15 से 20 मिनट लगाए, अपना टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट नहीं, हमने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर चलते हैं।
एनर्जी भी डालनी थी, तो यहाँ पे हमने अपने चिप्स के पैकेट ओपन करे। और फिलहाल मैं यहाँ बता दूँ, चिप्स का जो भी रैपर है या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, पानी की बॉटल्स हैं, वो फेंकनी नहीं है, क्योंकि उसके चार्जेस आपको बाद में रिटर्नेबल होंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे अपना एडवांस दिया है कि हम वहाँ पे कुछ भी जंगल में फेंक के नहीं आएंगे, क्योंकि ये फॉरेस्ट का एरिया है और फॉरेस्ट क्लीन करना हमारे हाथ में है। तो कोई भी फॉरेस्ट को गंदा ना करें, जिसकी वजह से हमें ही प्रॉब्लम होती है और हमारा एनवायरमेंट भी ख़राब होता है, और क्लीनिंग जो होती है ग्रीनरी वो भी गंदी लगती है। तो जिसकी वजह से ना, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इसके लिए हमने पहले से ही पैकेट के और बॉटल्स के और कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स के नीचे 100 रुपीज़ सबमिट करे थे पर प्रोडक्ट, और उसके बाद जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो वो हमें रिटर्न हो जाएंगे, हमें उसके पैकेट दिखाने होंगे अपने। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो रोड दिख रही है ना, ये पंगोट जा रही है जो कि मोटर रोड है, और यहाँ से भाई यहाँ से हम दोनों थोड़ा सा अपना एक दूसरे का सहारा लेके चले थे, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, और इनको तो थोड़ी एनर्जी दे दे के ऊपर खींचना पड़ता है कोल्ड ड्रिंक की। फिलहाल यहाँ इन तीनों को देखो, अपना आप एक दूसरे को मारने में बिजी है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा ही मज़े आ रहे थे। अब चलो भैया फॉलो मी, हम लोगों को फॉलो करो और ऊपर चलो, टाइम लग रहा है। चलते 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 हैं, यहाँ से किलबरी का रास्ता और एक साइड से चाइना पीक का रास्ता। यहाँ पे वरीशा मैडम को भी पेट पूजा करानी थी, थोड़ा सा उनको दूध वगैरह पिलाया, उनके बिस्किट वगैरह खिलाए, और उसके बाद ना हम भी बहुत थक गए, क्योंकि वो गोद में चढ़ी हुई थी हमारी। उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि हमें भी अपने पेट में थोड़ा सा खाना पीना डालना था ना, कोल्ड ड्रिंक डालनी थी, चिप्स डालने थे, तो हमने यहाँ पे बैठा, थोड़ा सा अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल ओपन करी, चिप्स के पैकेट ओपन करे और वो खाए, और उनको खाने के बाद हमने अपने बैग में रखा, क्योंकि वो हमें ऐसे जंगल में नहीं फेंकने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फॉरेस्ट का एरिया और क्लीन रखना है, क्लीनिंग अपने हैंड में। और यहाँ से ना ये पत्थर था जिस पर हमारी मैडम जी फोटोज़ क्लिक कराई थी, फिर हमने भी थोड़ी बहुत फोटोज़ क्लिक कराई, पता है एनवायरमेंट और ये नेचर जो है ना, नेचर लवर्स तो हम बहुत है। यहाँ पे हमने फोटोज़ क्लिक करी, और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मेरे पीछे जो व्यू दिख रहा है ना, वो बहुत मस्त व्यू इस कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा जितना कि मैंने अपनी रियल आई से। बोलो, यहाँ पीछे का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो फिलहाल मैं, फैसल और वरीशा थोड़ा पीछे रह गए थे, क्योंकि वरीशा थक गई थी और हम भी ऑलरेडी थक गए थे उसके साथ, तो हमारे साथी लोग आगे पहले ही पॉइंट पे पहुंच चुके थे। यहाँ पर हमारी दूसरी साथी ने कैप्चर कराया कि हम थोड़ा लेट पहुँचे, उनसे 5-10 मिनट हम लेट पहुँचे थे, वो हमसे पहले अपने पॉइंट पे जाके बैठ चुके थे जहाँ पर चाइना पीक स्टार्ट हो जाता है, सॉरी कि नैना पीक। यहाँ से हमने अपना थोड़ा सफ़र का रेस्ट करा, क्योंकि अभी थोड़ा सा सफ़र और हमें आगे चलना था। यहाँ हम पहुँचे हैं 12:10 के आसपास, 10:20 पे चले थे और 12:10 पे इस पॉइंट पे पहुँचे हैं, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिलैक्स करा। पीछे जहाँ भाई साहब जा रहे हैं वहाँ पे वो फॉरेस्ट के लोग रहते हैं, जिन्होंने अपनी कैंटीन भी खोल रखी है। यहाँ पे जो पिकनिक जो घूमने आते हैं उन लोगों के लिए मैगी कोल्ड ड्रिंक सैंडविच बना के देते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और पीछे की साइड चलते हैं जहाँ से मेन व्यू दिखता है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल टॉप पे, जहां से हमें पूरा नैनीताल टाउन दिखता है और लेक का व्यू दिखता है, और इतना अच्छा व्यू लगता है ना, वो अभी आप आगे देखोगे। थोड़ा बहुत मिस्ट भी है, कोहरा है, तो वो हटेगा तो आपको देखने को मिलेगा कितना अच्छा व्यू लगता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, क्योंकि एक्चुअली ये टाइम थोड़ा ऐसा है, हॉलीडेज़ वगैरह चल रही, तो लोग यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आ भी रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ का जो पॉइंट है ना, जो हाइट है यहाँ की, वो है 8,593 फिट, जो कि टाउन से है। और आप यहाँ पर देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम बादलों में आसमान के पास हैं बिल्कुल, और आसमान को छू रहे हैं। Thank you.
वैसे नहीं आ पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्ट है ना, दिख रहा होगा आपको, हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आसमान छू के बैठे हुए हैं। देखो लग नहीं रहा जैसे हम बिल्कुल आसमान पे बैठे हैं। झूलिया मैंने और इनको देखो खाली बोतल चूसने में लगी पड़ी है। पर लेकिन बादल तो ऐसा है ना, यहाँ से निकल रहे हैं, वो आ रहे हैं उधर से। और यहाँ पे ना लोग ना बहुत ज्यादा ना अचंबा कर रहे हैं हम लोगों को देख के, हमारे साथ इतना छोटा बच्चा और उसको हम 3 किलोमीटर वो भी इतने ट्रैकिंग वाले रास्ते में ट्रैकिंग करके लेके आए 3 किलोमीटर वो भी गोद में लेके। मुझसे अभी 3 लोगों ने पूछा यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे, एक इसमें फैमिली आई उसने पूछा, मतलब कपल आए, उन्होंने कहा कि आप इसको गोद में लेके आए हो ट्रैकिंग करके, मैंने कहा हाँ। फिर एक और आया उन्होंने भी यही सेम क्वेश्चन पूछा, एक और आया उन्होंने बोला हमसे तो बैग नहीं उठ रहा यहाँ ये बच्चा गोद में लेके आ रहा। तो सोचो भैया हम यहाँ पर वरीशा को लेके आए हैं और लोग हमें देख के इतना ज्यादा हैरान हो रहे हैं। और आप देखो जरा ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों में बैठे हैं, देखना जरा ऐसा लग रहा है जैसे आप आसमान छू रहे हो। बिल्कुल मिस्ट आ गई, बिल्कुल ही कवर हो गया, अभी फिर हट जाएगी, फिर थोड़ा सा व्यू दिखेगा, फिर आ जाएगी, फिर हट जाएगी, यही होता रहेगा। वरीशा बस यही रहना, आगे पीछे कहीं ना जाना, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ऐसा लगा जैसे बादल छू रहे हैं। वरीशा देखो मैंने छू लिया, वरीशा देखो मैंने छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया। हां अभी दिखा था मैं, अगर जब उस टाइम पे ना वरीशा भी छुएगी, मैंने 3 लेयर खोल दी। देखिए आपको मिस दिख रही होगी। ये बस इधर उधर रहो, इधर को नहीं जाओ साल का। और अभी वो पूरा ढकिया वहाँ पे झील दिखती है उस पोर्शन पे, एग्जैक्ट वहाँ पे झील है सामने पूरा। नैनीताल का जो है ना, नैनीताल का मौसम ऐसी है, धूप भी है, बादल भी है, मिस्ट भी है, हल्की हल्की बूंदे भी पड़ रही है, यहाँ के मौसम को कोई नहीं समझ सकता बरसात के टाइम पे। देखो फिर हट गई मिस्ट। अभी एक सेकेंड ही हुआ था आपको दिखाया था कि पीछे झील है, वो झील दिखने लगी, वो दिख रही है, ये देखिए ये भी झील है। अभी बादल थे जस्ट, हवा चल रही है ना तेज बहुत, हमारे माइक लगा हुआ है तो पता नहीं चल रहा, ना अदरवाइज तो बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे। उधर देखिए अभी ढक भी जाएगा ये, अभी बादल है और हम इससे ऊपर हम ऊपर हैं बादल पूरे वाह कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी बिल्कुल, मजा आ गया। और वरीशा को तो कुछ ज्यादा ही मजा आ गया, वो रिलैक्स हो गई ऊपर आके, वरना वो चढ़ते टाइम पे ना बहुत परेशान। अच्छा पॉकेट में भर रही है पत्थर उठा उठा के, हवा में उड़ रहे हैं हम यहाँ पे। देखो धूप फिर आ गई फिर चली गई थी, और फिलहाल यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत अच्छी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी ठंडी। वहां बैठने जहाँ पे ये लोग बैठे हैं ना, जिस पॉइंट पे आप भी बैठे थे अभी जाके, वो वाले पॉइंट से ना व्यू बहुत अच्छा था, बैठ गया ना वहाँ हवा बहुत अच्छी। और पता है ये वाला पॉइंट जो है ना, ये हमारे घर से भी दिखता है, जो हम दिखाते हैं ना अपने घर से, यही पॉइंट होता है, पर घर नहीं दिख रहा है। हाँ। इतने सारे घर हैं, तेज सारे। हाँ। उसमें दूसरा घर दिखेगा तो वो कैसे दिखेगा, कई व्लॉग्स के बीच में। हाँ कई सारे व्लॉग्स में मैंने बोला था ना जो नैनीताल वाले व्लॉग में कि हमें चाइना पीक दिख रहा है, चाइना पीक दिख रहा है, वो हट गया वहाँ से, चाइना पीक दिख रहा है। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हम खड़े हैं और जहाँ वो लोग बैठे हैं ना, वो हमारे घर से वो पॉइंट दिखता है पूरा क्लियर। देखो एकदम से हवा की लहर आती है, उड़ा देती है, फिर दोबारा आ जाता है। देखो दिखने लगा ना हल्का हल्का, घर दिखने लगे नीचे के, लेक दिखने लगा, फील्ड दिख रहा है। तो वो वाली चीज से ना जैसी हवा हटती है वैसी ही क्लियर हो जाता है और फिर आ जाता है दोबारा से। देखो दिखा ना, अरे हमें लगा तुम लोग वही रह गए, एक ही कोल्ड ड्रिंक लेके आए हो। देखो पता है अभी बिल्कुल क्लियर हो गया था, हमने फोटो भी खींच ली थी। और हमारे
मालिक मालिकों के लिए आ गई ना मैगी। मालिक 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 अच्छा यहाँ पे ना हमें अपने भाई साहब के साथ फोटोज क्लिक कराने के लिए ना उनको बड़ी जद्दोजहद करके यहाँ पे बिठाना पड़ा, क्योंकि पीछे इतना क्लियर व्यू आ रहा था और जल्दी जल्दी फोटोज क्लिक करनी पड़ी थी, क्योंकि ये व्यू चला जाता है एकदम से अगर फॉग आ जाता और धूप चली जाती। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन ने फोटोज क्लिक कराए, आगे हमने भी क्लिक। फिलहाल अब हम जा रहे हैं वापस घर पे और मौसम भी साफ हो गया हमें, क्योंकि हम आए थे यहाँ पर और जब आए थे तो तब बहुत ज्यादा मिस्ट हो रही थी और बादल हो रहे थे, अब क्लियर हो गया और हम भी आ गए यहाँ पर और अब मजा भी आ गया देखने में। अब वापस चलते हैं घर पे और इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं आगे थोड़ी देर। चाइना पीक पे आने का एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला है जिससे हम आए। ये रास्ता जो है ये थोड़ा सा लंबा है, हम इससे नहीं आए, हम इससे आए जाएंगे भी हम इससे, क्योंकि हमारी गाड़ी यहीं खड़ी है इस रोड पे ही। नीचे जो हिमालय दर्शन वाला रोड है यहीं खड़ी है और यहाँ से नीचे जाएंगे। यहाँ पे कैंटीन है, ये आएंगे क्या देख रहे हो तुम तीनों? अबे मेरे बाले फोरहेड पे देगी। अच्छा फोरहेड पे दोगी? कैमरा नहीं, तेरी सॉरी, अब जितनी पप्पी कर दो। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, वरीशा यहाँ पे सेकंड टाइम आई है, अब जब 2 साल की और जब वो 8 महीने की थी तब भी वो यहाँ पे आई थी। उसका व्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें बिना मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नए हैं और वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।